लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। दोनों सदनों में बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की तो विपक्ष ने अदानी मसले पर जेपीसी की मांग को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सदन के बाहर भी विपक्ष और बीजेपी दोनों ओर से घेराबंदी हुई। बीजेपी के सांसदों ने नारेबाजी की तो विपक्ष की ओर से भी प्रदर्शन हुआ। टीएमसी ने अलग प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी ने बीआरएस के साथ अलग मोर्चा बंदी की। अदानी पर जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। अदानी घोटाले पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने भोपाल में सभा को संबोधित किया और सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मुफ्त बिजली का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पंजाब में हमारी सरकार ने बिजली, इलाज और स्कूल में शिक्षा मुफ्त कर दी है। मध्य प्रदेश में भी एक मौका दीजिए, यहाँ भी सब मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के सीएम ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारें बेची और खरीदी जाती हैं, यहाँ एमएलए की खरीद बिक्री पर डिस्काउंट भी मिलता है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान तीन मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की, साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था और रामचरितमानस विवाद को लेकर भी बवाल हुआ। इस बीच लालू परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा जारी है। कल जमीन के बदले नौकरी के मामले में राबड़ी देवी की सीबीआई कोर्ट में पेशी है। आज राबड़ी देवी पटना से दिल्ली पहुंची हैं। इस मामले में लालू राबड़ी समेत 16 आरोपियों को समन जारी किया गया था। बीजेपी को मार लो, अडानी साथ ही मर जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की पीएम मोदी और पुलवामा हमले पर टिप्पणी के बाद बीजेपी आग बबूला है। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया और रंधावा से माफी की मांग की। इस बीच विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। रंधावा के बयान को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सदन में रंधावा को आतंकवादी बता दिया। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर सुखजिंदर रंधावा के खिलाफ नारेबाजी भी की। पानीपत की समालखा में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक खत्म हो गई। तीन दिनों तक चली बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर या चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र सरकार के नजरिए का समर्थन किया। होसबोले ने कहा शादी संस्कार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस की सबसे बड़ी इकाई है, जिसे संघ का थिंक टैंक भी कहा जाता है। पानीपत में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों दिन मौजूद रहे। महाराष्ट्र के करीब 10,000 किसान मुंबई की ओर पैदल बढ़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नासिक जिले के आदिवासी बेल्ट से हैं। इस पैदल यात्रा का मकसद किसानों की समस्याओं से सरकार को रूबरू कराना है। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र में प्याज के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसको लेकर किसान चाहते हैं कि इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार एक राहत राशि दे। किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें प्याज पर एमएसपी दे। इसके अलावा उनकी मांगों में बिजली बिल में माफी और बेमौसम बारिश के कारण फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा भी शामिल है। पिछले साल जनवरी में पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर 9 अफसरों पर कार्रवाई होगी। इन अफसरों के खिलाफ एक्शन से जुड़ी फाइल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास पहुंच गई है। इनमें एक आईएएस और 8 पुलिस अधिकारी हैं। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी उनमें तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी और राज्य के तत्कालीन डीजीपी एस चट्टोपाध्याय भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिटायर्ड जस्टिस इंद्र मल्होत्रा की अगुवाई में बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में इन अफसरों को सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार ठहराया था।